हेलो बच्चों, तो अपने लास्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे अपने। आज फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ो इसको। ये आपसे यूँ कहना चाह रहा है कि वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, ठीक है, यानी कि कुआ है जिसका व्यास 3 मीटर है, इस डग 14 मीटर डीप, इसको 14 मीटर खोदा जाता है गहरा, मतलब ठीक है, और द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर। और जो कुएं को खोदेंगे अपन, जो वेल को खुदाई करेंगे, तो उसे जो मिट्टी निकलेगी, ठीक है, उसको उसी कुएं के यानी उसी वेल के चारों ओर फैलाना है। एक और फैला दिया गया है और एक रिंग बना दी, सर्कुलर रिंग बना दी, ठीक है, मतलब एक वर्ताकार रिंग बना दी। रिंग को हिंदी में वलय बोलते हैं, देख लेना, ठीक है, टू फॉर्म एन एम्बैकमेंट। और उसे एक पूरा क्या बना दिया, उस जो मिट्टी से चारों ओर से जो फैलाई, उसे एक बांध बन गया, एम्बैकमेंट बन गया, ठीक है। और आपसे पूछना चाह रहा हूँ फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैकमेंट, यानी कि जो आप मिट्टी फैलाना, जो बांध बना, उसकी हाइट बतानी है, मतलब उसकी ऊंचाई बतानी है। देखो उसको डायग्राम के हिसाब से समझते हैं अपन। बच्चे आपसे यूँ कहना चाह रहा है कि एक ये सपोज कुआ है, वेल है, ठीक है, जिसका डायमीटर, भाई देखो कुआ एक सिलेंडर की शेप का होता है, वेल वेल कैसा होता है, सिलेंडर की शेप का होता है, मतलब बेलन के आकार का होता है, बेलनाकार होता है। और इसकी जो डायमीटर दे रखा है बच्चे, डायमीटर मतलब ये पूरा डायमीटर, ये दे रखा है आपको 3 मीटर। डायमीटर कितना दे रखा है, 3 मीटर, ओके। और आपसे जो कहना चाह रहा है ना, वो कह रहा है इसकी जैसे आपने खुदाई करी कुएं की, तो इससे जो मिट्टी निकली बाहर, ठीक है, मिट्टी निकली, उसको इसी के चारों ओर फैलाना है, ठीक है, इसके चारों ओर फैलाना है, और एक बांध बन जाएगा, उसे मैग्मेंट बन जाएगा। यानी कि ऐसा मान लो कि उसी जो ऐसी इसी के चारों ओर जब मिट्टी पर निकालेंगे ना, तो ऐसा मान लो कि वो ऐसे इसके चारों ओर एक रिंग बना ली उसने, ऐसी, ये मान लो आप, ये एक रिंग बना ली, इसी के चारों ओर ऐसी फैल गई, फैला दी गई उसको, और एक बांध बना दिया गया, ठीक है। ये ज़्यादा गिचपिच हो जाएगा, आप इसको अपने हिसाब से बना लेना, ठीक है। इसका ये सेंटर पॉइंट है और इसका भी सेंटर पॉइंट मान लीजिएगा, कैसे कर लो। अब ये ऐसे फैला दी गई, और जो ये जो मिट्टी फैलाई है इसके अंदर, इसकी टोटल हाइट, इस जो पूरे अपने इस कुएं की हाइट है, सिर्फ कुएं की हाइट दे रखी है बच्चे, कुएं की, ठीक है, वेल की हाइट दे रखी है अपन को 14 मीटर, ठीक है, और इसका डायमीटर 3 दे रखा था, वो ठीक बात है। अब आपसे यूँ कहना चाह रहा है कि इससे जो ये चारों ओर मिट्टी फैलाई ना, इसका आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है, इसकी सॉरी वो हाइट फाइंड करनी है। अब देखो बच्चे, अपने चैप्टर स्टार्टिंग से यही बात करेंगे, जिससे जो कुछ बनता है उतना ही बनेगा जितना उसका वॉल्यूम होगा। जैसे इसके अंदर ये कुआ है, वेल है, तो जितना इस वेल का वॉल्यूम होगा, कुएं का वॉल्यूम होगा, उतना ही इसके चारों ओर जो मैग्मेंट बन रहा है, या फिर इसके द्वारा जो मिट्टी निकाली जा रही है, उसका वॉल्यूम होगा, ये ध्यान रखना। अब सॉल्यूशन अपने स्टार्ट करने हैं, क्या क्या चीज़ गिवन है वो अपन लिख देते हैं। अपने पास है डायमीटर ऑफ वेल, मतलब हमारे पास कुएं का व्यास है वो है 3 मीटर, ठीक है बच्चे। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ वेल मतलब कुएं की त्रिज्या, वो हो जाएगी 3/2 मीटर। इसको अपन डिनोट कर देंगे आर से, चलो। इसके बाद में हाइट भी गिवन है हमें, हाइट ऑफ वेल यानी कि कुएं की ऊंचाई, जिसको अपन एच से दिखाएंगे, और वो दे रखी है 14 मीटर। चलो, तीन चीज़ गिवन थी, डायमीटर 3, तो रेडियस 3/2, हाइट 14, ठीक है, और आपसे पूछा कि इसकी क्या हाइट हो जाएगी, जो चारों ओर जो मिट्टी फैली ना, इसकी क्या हाइट हो जाएगी, यानी कि हमसे जो पूछा गया है बच्चे, इस एम्बैकमेंट का, यानी जो बांध बन गया चारों ओर, इस बांध की हाइट पूछी गई है, ठीक है। तो देखो, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट यानी कि बांध की ऊंचाई, और इसको अपन दिखाते हैं सपोज कैपिटल एच से, और इसका हमें पता नहीं है, हमें निकालना है, ठीक है। अब बात आती है, अब जब हम इसकी बात करेंगे कि भाई जितनी मिट्टी कुएं को जितना अपन खोदेंगे, उतनी ही मिट्टी चारों ओर फैलेगी, ये गारंटी है, ठीक है। इट मीन्स ये हुआ कि
कि जितना वॉल्यूम इस वेल का होगा, कुएं का होगा, उतना ही वॉल्यूम इस एम्बैंकमेंट का होगा या फिर निकाली गई मिट्टी का होगा। बात आती है दोनों किस शेप में है। तो कुआ भी सिलेंडर है, सिलेंडर शेप का है, और चारों ओर जो एम्बैंकमेंट यानी बांध जो बनाया जा रहा है, बस जब कुएं के चारों ओर मिट्टी फैलाई जा रही है तो ऑफकोर्स वो भी कैसा होगा, सिलेंडर की शेप का होगा। तो इसके अंदर हम फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। मानते हैं कि अगर हम वेल की बात करें, कुएं की बात करें, तो पाई 22.7, आर निकाल लिया और एच भी है। बात आई इसकी जो रिंग बनी, तो बच्चे रिंग बनी, रिंग का मतलब जब यहां तक देखो ये तो कुआ है, इतनी इस पोर्शन को अगर इस पूरे इसमें से यहां तक के में इतने में से अगर अपन हटाएंगे इसको, तब जाके इस बार बार की मिट्टी मिट्टी का वॉल्यूम आएगा। जितना वॉल्यूम मिट्टी का होगा, सैंड का होगा, सोइल का होगा, उतना ही तो उसकी एम्बैकमेंट का होगा। इट मीन्स ये हुआ कि इस एम्बैकमेंट का जब वॉल्यूम निकालेंगे अपन, सिर्फ इस इसका मतलब एक रिंग बन गई, मतलब कि पूरे में से इसको हटाया जाएगा तब आएगा। तो इसके अंदर दो रेडियस काम करेगी। देखो अगर अपन बात करें एम्बैकमेंट के इंटरनल रेडियस की, तो वो तो यही होगी जो कुएं की रेडियस है। एक बार मैं लिखता हूँ, यानी कि इंटरनल रेडियस ऑफ एम्बैकमेंट एम्बैकमेंट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ वेल। ठीक है, यानी कि जो बांध की जो आंतरिक त्रिज्या होगी, बांध की आंतरिक त्रिज्या होगी वो बराबर होगी कुएं की त्रिज्या के। बात समझ में आती है। इट मीन्स ये हुआ कि ये इन दोनों रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, 3.2। क्यों? क्योंकि उसकी 3.2 थी, इसके भी 3.2 हो जाएगी। ये 3.2 अपन क्या करने जा रहे हैं, ये जो कुएं की रेडियस है ना, वो इस एम्बैकमेंट के लिए इंटरनल का काम करेगी। और यहीं से यहां तक की जो रेडियस है, देखो ये इसके बाहर की रेडियस है, किसके लिए, एम्बैकमेंट, पूरे एम्बैकमेंट के लिए, यानी कि एक्सटर्नल रेडियस ऑफ एम्बैकमेंट, यानी कि बांध की बाह्य त्रिज्या, बाहर वाली, बाहर की जो रेडियस है वो हो जाएगी बेटे, जिसको अपन कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, वो क्या होगी कि जो इंटरनल यहां से 3 तो ये थी, प्लस यहां से लेके ये जो बनी, ये कितनी है, चारों ओर रिंग कितनी फैल रही है, ये यहां से लेके यहां तक की जो रिंग है वो 4 मीटर की है। ये क्वेश्चन में साफ मेंशन है कि चारों ओर 4 मीटर की रिंग बन रही है। इट मीन्स 3.2 तो यहां तक और 4, ये टोटल रेडियस ये हो जाएगी बड़ी बाहर के लिए, ये रेडियस हो जाएगी 3.2 प्लस 4। तो ध्यान रखना, 4 तो ये और प्लस 3.2, कौन सी, इंटरनल, यानी कि 4 प्लस 3.2 कहा जा सकता है 1.5, बाई 2 का डिवाइड कर लो तो 5.5 मीटर ये बड़ी रेडियस, बाहर की रेडियस आ गई 5.5 मीटर। और इंटरनल रेडियस एम्बैकमेंट की बात करें अपन, 3.2। बड़ी ध्यान से समझना बच्चे, है ना। चलो ये आ गई, अब ये रिंग बन गई। रिंग का फॉर्मूला फिक्स होता है कौन सा, कि बाहर के वॉल्यूम में से अंदर का हटा दो। ठीक है, इसलिए हमने अब बाहर की रेडियस भी चाहिए थी और अंदर की रेडियस भी चाहिए, निकाल ली। अब हम बात करते हैं कि कितना इसका हाइट होगी। तो देखो, द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, चेक एन आउट, ये इसकी जो चारों ओर जो मिट्टी फैलाई ना उसकी बात कर रहा हूं, आउट फ्रॉम वेल, ध्यान रखना, यानी कि कुएं से खुदाई करके निकाली गई मिट्टी का आयतन, निकाली गई मिट्टी का जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट। ये ध्यान रखना आप, यानी कि बांध का आयतन, बहुत ही बढ़िया बात है। स्टेटमेंट हर बार लिखना है कि जितनी कुएं से मिट्टी बाहर निकाली गई, सोइल निकाली गई, उसका जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम हमारे इस एम्बैकमेंट का वॉल्यूम होगा जो चारों ओर हमने बनाया। सही बात है। अब देखना, कुआ किस शेप का होता है, सिलेंडर शेप का, चाहो तो ब्रैकेट में ये लिख देना सिलेंड्रिक,
हिंदी वाले बेलनाकार। अब एक बात बताओ, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर एच। ध्यान रखना मैंने यहाँ पर स्मॉल आर का यूज़ किया, क्यों? क्योंकि हम कुएं की रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी स्मॉल आर इज इक्वल टू। एम्बैकमेंट भी सिलेंडर की शेप का, क्योंकि वो भी चारों ओर फैल रहा है, उसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई, बोर्ड पे ध्यान रखो, पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान रखना पाई आर स्क्वायर एच ओनली एम्बैकमेंट का वॉल्यूम। एम्बैकमेंट का है कौन सा एम्बैकमेंट? ये इतना सा जो सिर्फ चारों ओर फैल रहा है। पाई आर स्क्वायर एच मतलब बाहर यहां से लेके यहां तक का, मैं से अगर माइनस कर दूं पाई आर स्क्वायर एच, तब जाके एम्बैकमेंट आएगा ओनली। ये इसको अगर माइनस कर दूं इस पूरे में से, तब जाके एम्बैकमेंट आएगा। समझ में आ रहा है ना? इसलिए ध्यान रखना ये एक्सटर्नल रेडियस है, मतलब बाहर वाली त्रिज्या है रेडियस है, बाहर की रेडियस में से इंटरनल रेडियस को माइनस किया। ध्यान रखना कैपिटल आर स्मॉल आर का बड़ा ध्यान रखना है अपन को। इधर आ जाओ, पाई आर स्क्वायर एच, यस। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है बच्चे? पाई कॉमन है और हाइट जो हमें चाहिए। अच्छा ध्यान रखना है, हाइट भी कैपिटल होनी चाहिए क्योंकि हमें कैपिटल एच चाहिए यहाँ पर, ठीक है? और ये हाइट कौन सी है? ये भी उसी एम्बैकमेंट के लिए तो हाइट सेम ही होगी, तो यहाँ पर भी अपन कैपिटल एच का यूज करेंगे क्योंकि ये इसकी हाइट अलग है, ये कुएं की हाइट है, वेल की हाइट है, स्मॉल एच है, और जो हम निकालने जा रहे हैं एम्बैकमेंट की हाइट, उसको हमने कैपिटल एच का यूज किया है, ये ध्यान रखना। अब अपन बाहर क्या ले लेंगे? पाई और एच इन दोनों में, तो अंदर क्या बच गया बच्चे? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है? अब देखो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना? अब क्या करो, इस पाई को इधर ले आओ, पाई इधर आ जाएगा, आ सकता है ना? ठीक। अब ध्यान रखना एच बचा इधर, कैपिटल आर कितना हमारे पास? 5.5, यानी कि 5.5 का स्क्वायर, ध्यान से समझो बच्चे, माइनस स्मॉल आर 3.2 का स्क्वायर। अब देखो पाई से पाई कट गया, तो थोड़ी वैल्यू थोड़ी आपके लिए हल्की हो जाएगी, इजी पड़ेगा सॉल्यूशन। अब ये स्मॉल आर है यानी कि 3.2 का स्क्वायर, यस, इनटू एच, इसके लिए एच स्मॉल एच 14 है, लिख दो, कैपिटल एच नहीं है, 5.5 का स्क्वायर कर लो बच्चे, 55 का स्क्वायर, ठीक है? 25 2 27, तो वही आना वापस, यानी कि 5 12, 1 कैरी लग गई तो 10 और 1 कैरी लग गई, 2 डेज बाद, यानी कि 3025, 30.25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। चलो अब देखो यहाँ क्या करो बच्चे, नीचे 1 रख लो, पॉइंट रिमूव कर दो और 2 जीरो लगा दो ताकि सोल्यूशन इजी पड़े। अब देखो इसको भी खोल लो, ये आपका है 9/4, क्योंकि 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 14 का 14 इज इक्वल टू एच का एच रहने दो, और यहाँ पर आप काट लो इसको, थोड़ा हल्का कर लो, फिर एलसीएम ले लेंगे। तो देखो पॉइंट तो यहाँ पर अब है नहीं, क्योंकि पॉइंट हमने हटा के 2 जीरो लगा लिया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, इसलिए 25 चौक 100, 25 4 100, और इसमें काट दो 25 से कम 25, बच गए 5 2 जा और 1 जा, अब तो नहीं कटेगा। अब अंदर ही अंदर ले लो इसका एलसीएम, तो 4 ही आएगा क्योंकि यहाँ पर भी 4 वहाँ पर भी 4, तो 121 माइनस 9। देखो इसके बाद इसको भी थोड़ा सिंपल कर लो, 2 और ये हो गया 7, तो यहाँ तो बचा 9 × 7/2, इधर बचा h, और अपने इधर बच गया 121 में से 9 चला गया, 11 में से 9 गया तो 2, 112 112 ही बचा अपॉन 4। एक काम करो उसको इधर ले आओ, तो 9 × 7/2 अपनी जगह है, और जब ये इधर आएंगे तो ये हो जाएंगे रेसिप्रोकल, यानी कि जो 4 भी नीचे है वो तो ऊपर चला जाएगा, और जो 112 है वो आ जाएंगे अपने नीचे, इधर h का h काट दो बच्चे, 2 की टेबल से 2 टाइम, और ये 2 की टेबल से कट गया, 2 5 10 और 2 6 12, और ये 7 8 56, 7 8 56, पीछे क्या बच गया? 9/8, 8 का 9 में डिवाइड कर दो, यानी कि 9/8 बचा ओनली। चलो एक बार आराम से लिख के बता देता हूँ, 8 1 8, 8 1 8 पॉइंट, अब डिवाइड जाता नहीं, बच गया 1 0, फिर 8 1 8 बच के 2 0, 8 2 16 बच गए 4, और 8 5 40, और ये मीटर में है ना बच्चे, मीटर। तो ये हमारी एम्बैकमेंट की हाइट आ गई, तो लिख देना देयरफॉर
हाइट ऑफ एम्बैकमेंट यानी कि 1.125 मीटर, हिंदी वाले बच्चे लिख देना, अतः बांध की ऊंचाई 1.125 मीटर है। तो बड़ा आसान सा था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको यह लगा होगा, लेकिन ध्यान ही रखना है कि हमने कैपिटल आर क्यों निकाला, क्योंकि ये एक रिंग बन गई, और रिंग जब भी बनती है तो रिंग का फॉर्मूला फिक्स है, ये होता है स्क्वायर होता है तो एरिया होता है तो वो फॉर्मूला लग जाता है, और वॉल्यूम होता है तो वही लग जाता है, रिंग का हमेशा ये फॉर्मूला होता है। थोड़ा सा ध्यान से रखना, आई होप आपको ईजी लगा होगा। हाँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ो इस तरीके से। ये आपसे यूँ कहना चाह रहा है कि एक कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। यानी कि हिंदी में बोले तो 12 सेंटीमीटर के व्यास है और 15 सेंटीमीटर की हाइट वाले एक लंबवर्ती बेलन है, उसके आकार का एक बर्तन है, वो पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है, ठीक है। और जो ये द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन टू कॉन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर, और आपको जो आइसक्रीम जो भरना है इसके अंदर, वो आपको कोन की शेप में भरना है, मतलब शंकु में भरना है, और जो शंकु बना है उस शंकु का जो हाइट है 12 सेंटीमीटर, डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, और जो कोन बना हुआ है उस कोन के ऊपर है ना बच्चे, कोन के जो मुंह है वो है हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, यानी कि जिनका ऊपरी जो सिरा है वो अर्धगोलाकार है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सच कॉन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम, यानी कि आपको उन शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ कॉन्स आपको फाइंड करना है। हाँ तो बच्चे सोल्यूशन देखो इसका, क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ है। ये आपसे यूँ कहना चाह रहा है कि एक सिलेंडर है, मतलब सिलेंडर की शेप का बर्तन है ऐसा है, ठीक है, जो कंप्लीटली भरा हुआ है आइसक्रीम से, समझ लो ठीक है, ये फुल है, और ये आपसे कहना चाह रहा है जिसका डायमीटर जो है, डायमीटर कितना दे रखा है, यहाँ से लेके जो इसका डायमीटर होगा वो दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट दे रखी है बच्चे वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर। इससे आपको ये बताना है बच्चों कि कितने कोन भर जाएंगे, ये पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है, और आपको यूँ बताना है कि इसको खाली करना है कोन की शेप के अंदर, ऐसा मान लो, ऐसा कोई बर्तन, ये कोन है जो ऊपर से हेमिस्फेयर की शेप का है, मतलब अर्ध गोले के आकार का है, ठीक है, और इसको आपको पूरे को इसके अंदर खाली करना है, और आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉन्स यानी कि ऐसे शंकुओं की कितने कोन आ जाएंगे इस पूरे में, कितने भर जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ गिवन है, इसका डायमीटर गिवन है आपको, इसका डायमीटर गिवन है हमें 6 सेंटीमीटर, ओके, और इसकी जो हाइट है इस ये शेप वाले स्ट्रक्चर की, इसकी हाइट हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। चलो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉन्स यानी इसमें से इसमें खाली करेंगे तो ऐसे कितने कोन भर जाएंगे। चलो सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं बेटे, क्या क्या चीज़ गिवन है इसकी बात करते हैं। तो ये जो हमारे सिलेंड्रिक शेप का जो था, इसको अपन सिलेंडर मान के चलते हैं, ठीक है, चलो तो लिख देते हैं डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, यानी कि बेलन का व्यास, अगर डायमीटर 12 सेंटीमीटर दे रखा है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर, जिसको हम दिखाएंगे कैपिटल आर से, क्योंकि इसकी इसकी रेडियस को हम कैपिटल आर से दिखाएंगे, इस वाले आर को हम स्मॉल आर से दिखाएंगे, इस वाले एच को अपन कैपिटल एच से दिखाएंगे, इस वाले एच को अपन स्मॉल एच से दिखाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 12.2, हिंदी वाले बच्चे लिख देना बेलन की त्रिज्या, यानी कि 6 सेंटीमीटर। इसके अलावा इसकी हाइट भी दे रखी है, लिख दो हाइट ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलन की ऊंचाई, इसको हम दिखाएंगे कैपिटल एच से, और ये दे रखी है 15 सेंटीमीटर। चलो ये फिनिश हो गया, अब बात आती है इसकी शंकु की यानी कि कोन की, कोन का डायमीटर हमें गिवन है, डायमीटर ऑफ कोन यानी कि शंकु का व्यास वो हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ कोन यानी कि शंकु की त्रिज्या, इसको हम दिखाएंगे स्मॉल आर से, और ये हो जाएगा हमारे 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट जो गिवन है यानी कि
हाइट ऑफ कॉन, यानी कि शंकु की ऊंचाई, जिसको हम दिखाएंगे स्मॉल एच से, बिकॉज कैपिटल एच को दिखा दिया, ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो जो जो चीज़ गिवन थी वो हमने सब कुछ दिखा दी। आपसे पूछा नंबर ऑफ कॉन, यानी कितने शंकु बन जाएंगे, क्या आपको पता है नंबर ऑफ कॉन्स? तो नहीं तो अपन इसको लिख लिख लेंगे, लेट नंबर ऑफ कॉन बी एन, मतलब कि माना कि, माना शंकुओं की संख्या, शंकुओं की संख्या एन है, ये मान के चल रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कॉन एन है। अब बात आई कि एन कितने भर जाएंगे, कैसे पता चलेगा? तो बड़ा आसान है कि जो इसका वॉल्यूम होगा वो ही इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ले लो या फिर आइसक्रीम ले लो, इसके अंदर जो पूरी आइसक्रीम भरी हुई है, तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, और ब्रैकेट में लिख देना सिलेंडर, यानी कि हिंदी वाले बच्चे लिख देना आइसक्रीम का आयतन, ये पूरा आइसक्रीम ही है और क्या, ठीक है। तो आइसक्रीम का आयतन है कि वॉल्यूम, ब्रैकेट में लिख देना बेलनाकार, इज इक्वल टू नंबर ऑफ, अब देखो यहाँ पर ये एन हम दिखाने के लिए, क्योंकि सब कुछ कट जाएगा फिर बचेगा एन, तो नंबर ऑफ कोन को डिनोट करने के लिए एन है, बाकी कोई एन नहीं है, एन चलो कोई बात नहीं। और इसके इधर ये करना है अपन को, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ कॉन, यस, प्लस ये ऊपर से हेमिस्फेयर और बना हुआ है ऊपर से, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ये ध्यान रखना, ये दोनों प्लस होंगे, बाहर एन पड़ा रहेगा, ध्यान रखना एन तो एन ही है, यानी कि शंकु का आयतन प्लस जो ऊपर हेमिस्फेयर जो अर्धगोला है, अर्धगोले का आयतन, ठीक है। अगर ये हम कर लेंगे, यानी कि इसको प्लस को ऐड करके जो होगा वो पूरा एक एक शंकु कहलाएगा, एक कौन कहलाएगा, चलो देखो। अब बताओ आइसक्रीम कैसा है, सिलेंडर की शेप का है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम लगा दो पाई आर कैपिटल और एच भी कैपिटल, पाई आर स्क्वायर एच, बिकॉज हमने इसके आर को कैपिटल आर से दिखाया है, इसके एच को कैपिटल एच से दिखाया, ध्यान रखना, ठीक है। इधर एन का एन इंटू शंकु का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कॉन, ये कॉन ये इसका, और कॉन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई। अब देखो कॉन के रेडियस को हमने दिखाया था स्मॉल आर से, और इसके एच को दिखाया था स्मॉल एच से, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों के आर को सेम दिखाया अपन ने, क्यों? क्योंकि दोनों ही आर एक ही जगह है, इसी के ऊपर ये और इसी के ऊपर ये, तो दोनों के आर को हम किससे दिखा देंगे, स्मॉल आर से, ठीक है। चलो अब देखो, हाँ वैल्यू रखते हैं अपन, पाई की जगह अपन रख देते हैं 22.7, या फिर एक काम करो पाई यहाँ पर अपन कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है ना, तो पाई से पाई कट जाएगा, पाई को रहने दो, पाई और कैपिटल आर कितना बचे, 6, पाई इंटू 6 इंटू 6 दो बार है ना, इंटू कैपिटल एच कितना है 15, एन का एन, एन तो पड़ा रहेगा, इंटू 1/3, देखना इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है इन दोनों में, 1/3, एक बार बड़ा ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर, इन दोनों में देख रहे हैं बच्चे, थोड़ा सोल्यूशन ईजी पड़ जाए, जो कॉमन ले लो, इसमें भी 1/3 है, इसमें भी 1/3 है, आप सोच रहे हो कि इसमें 1/3 कैसे है, यहाँ पर इसको 2 × 1 मान लो, तो 1/3 निकल जाएगा, पीछे 2 बच जाएगा, 1/3 बार ले लिया, एक दोनों में पाई भी है, आर दोनों में सेम है इसलिए कॉमन लिया जा सकता है, तो इसका भी आर स्क्वायर, इसका आर क्यूब, यानी कि आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, स्मॉल ब्रैकेट लगाओ, 1/3 बार आ गया इसका, पाई बार आ गया इसका, आर स्क्वायर बार आ गया इसका, सिर्फ एच बचा, इसमें 1/3 मैंने 3 तो बार आ गया, और ये इसको अपने माना था 1 × 2 × 1, यानी कि 1 तो बार आया लेकिन 2 भी वहीं बच गया, पाई बार आ गया, आर स्क्वायर यानी कि 1 आर तो अभी भी बच गया। अब देखो, अब हम इसमें वैल्यू पुट कर दें, इधर तो पाई इंटू 6 × 6 × 15 इजिकल टू एन। अब देखना आप कि ये जो पाई है, हम यहाँ पाई भी रखेंगे क्योंकि पाई से पाई इधर लाके काटना है, इसलिए रहने दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। स्मॉल आर कितना है हमारा, स्मॉल आर है हमारा 6, ठीक है, 3 सॉरी 3 है, तो 3 × 3 क्योंकि स्क्वायर है, ब्रैकेट, स्मॉल एच कितना है 12 सेंटीमीटर, 12
प्लस टू इंटू स्मॉल आर है हमारा थ्री। चलो इस थ्री से थ्री कट गया। अब इधर क्या क्या बच गया बेटे, एन बचा ब्रैकेट पाई इंटू थ्री, और ये भी इंटू में ही है तो ये पहले ये हो गए छः और छः और प्लस बारह ये हो गया अट्ठारह, तो ये भी ब्रैकेट हटा दो वो भी मल्टीप्लाई में ही है तो ये हो गया अट्ठारह, ठीक है। और इधर हमारा ये वापस से लिख दो पाई इंटू छः इंटू छः इंटू पंद्रह। आप ही सोच रहे हो कि मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, सारी वैल्यू कट जाएगी, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। बड़ा सिंपल मेथड होता है अगर तरीके से करोगे तो, वरना मल्टीप्लाई में ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ सफिशियंट है, इसको इधर ले आओ। तो ये अभी इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, पाई थ्री इंटू एटीन, इधर सिर्फ एन बचा। अब देखो कितना आसान है, पाई से पाई कट गया, सिक्स थ्री ज़ा एटीन, ठीक है, थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, इजी पड़ा या नहीं पड़ा। तो टू फाइव ज़ा टेन, यानी कि एन की वैल्यू क्या आ गई, दस। इसका मतलब अपन लिख देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ कॉर्न कितना, वो कितना आ रहा है दस, हिंदी वाले बच लिख देना। अतः शंकुओं की संख्या बराबर दस, और वही हमारा आंसर। तो देखो इतना ये इजी वे में जो अपन सोल्यूशन कर रहे हैं ये सबसे बेस्ट पड़ेगा, बाकी मल्टीप्लाई करोगे बहुत टाइम वेस्ट होता है, ये चीज़ें आराम से कटती, इधर उधर लाके आराम से जल्दी सॉल्व कर लो, बड़ा आसान। हेलो बच्चों, तो अब क्वेश्चन नंबर सिक्स है वो इस तरीके से हैं, पढ़ो इसको। ये आपसे यूँ कहना चाह रहा है कि हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इज डायमीटर, यानी कि कितने सिक्के जिसका व्यास 1.75 सेंटीमीटर है एंड ऑफ थिकनेस 2 mm, और उसकी जो मोटाई है थिकनेस वो 2 mm की है, मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है कि इस डायमेंशन के क्यूबॉइड बनाने के लिए कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, कितने सिक्कों को मेल्ट करना पड़ेगा कि 5.5 लेंथ और 10 सेंटीमीटर ब्रेथ और 3.5 सेंटीमीटर हाइट का एक क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है। तो कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ कॉइन्स आपसे पूछ रहा है, सिल्वर कॉइन्स, ठीक है। चलो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं आपका। क्या क्या चीज़ गिवन है बेटे, डायमीटर ऑफ सिल्वर कॉइन, ठीक है, और वो हमें दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि चांदी के सिक्के का व्यास। तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा इसकी, रेडियस ऑफ सिल्वर कॉइन यानी कि आर, ठीक है, हो जाएगी 1.75 अपॉन 2, बस यहीं छोड़ दो, सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है थिकनेस, थिकनेस ऑफ सिल्वर कॉइन, ठीक है, यानी कि चांदी के सिक्के की मोटाई, और ये मोटाई हमारे लिए हाइट का काम करेगी, तो यहीं ब्रैकेट में अपन एच लिख देंगे, और वो दे रखी है 2 mm मिलीमीटर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ वैल्यू सेंटीमीटर में चल रही है या मिलीमीटर में चल रही है, दोनों को सेम करते हैं अपन, तो हम अच्छी तरह जानते हैं बच्चे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होते हैं, ये वैल्यू हमें डिनोट करनी है। तो हमारी हाइट जो कि 2 mm है वो अपॉन 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। कैसे हुई कि एक सेंटीमीटर में जब 10 मिलीमीटर होते हैं तो हमारे मिलीमीटर उसको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, यानी कि जब छोटी वैल्यू, देखो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में बड़ा कौन है, सेंटीमीटर है, जब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे तब तो मल्टीप्लाई बाय 10, लेकिन जब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, छोटी को जब बड़े में करते हैं तो 10 का डिवाइड, तो ये हमारा एच हो गया और ये हमारी रेडियस हो गई, किसके लिए, सिक्के के लिए, और सिक्का कैसा है, सिलेंडर की शेप का है, ठीक है, ब्रैकेट में चाहो वो चलो अभी लिख देंगे। अब बात आती है इसको मेल्ट करके क्या बनाना है, भाई ऐसे कितने सिक्के मेल्ट करेंगे वो तो नंबर ऑफ कॉइन लिख लेंगे अपन,
इसको बनाना क्या है अपन को, क्यूबोइड। तो क्यूबोइड हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है लेंथ ऑफ क्यूबोइड, मतलब घनाभ की लंबाई हमें दी हुई है, जिसको हम एल से डिनोट करेंगे। वो दे रखी है हमें 5.5 सेंटीमीटर, और ब्रेथ दे रखी है ब्रेथ ऑफ क्यूबोइड, यानी कि घनाभ की चौड़ाई हमें दी हुई है, जिसको हम ब्रेथ बी से दिखाएंगे, वो हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। और जो हाइट गिवन है बेटे, हाइट ऑफ क्यूबोइड यानी कि घनाभ की ऊंचाई, जिसको हम एच से डिनोट करेंगे, और ये हमें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। देखो पूरा क्वेश्चन सेंटीमीटर में हो गया अपना, रेडियस भी सेंटीमीटर, हाइट भी सेंटीमीटर, और जो जिसमें मर्ज करेंगे, जिसमें कन्वर्ट करेंगे, उन दोनों की LBH भी सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात आती है, अब देखो कि जो हमारा जो कॉइन है, जो सिक्का है, वो उसको हम पिघलाएंगे, नंबर ऑफ कॉइन निकालेंगे, उनको पिघला के क्या बनाएंगे, क्यूबोइड। तो ये गारंटी है कि जितना वॉल्यूम कॉइन का होगा, उतना ही वॉल्यूम आपके क्यूबोइड का होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कॉइन, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड, ये ध्यान रखना, यानी कि सिक्के का आयतन, सिक्के का आयतन। और ब्रैकेट में सुनो बच्चे, यही लिख देना सिलेंडर, कॉइन कैसा होता है सिलेंडर, बीच में इक्वल का साइन तो है, ब्रैकेट में लिख देना बेलनाकार, बराबर वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड यानी कि घनाभ का आयतन, ये होगा। अब आपसे उसने पूछा नंबर ऑफ कॉइन, तो नंबर ऑफ कॉइन का जब पता नहीं देता, हमें उसको एन मानते, जैसे लास्ट क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन माना था अपन एन, वैसे ही लेट द नंबर ऑफ कॉइन बी एन, यानी कि माना कि सिक्कों की संख्या वो कितनी है, एन है, ये हम मान के चल रहे हैं। अब हम यहां रख देंगे सिक्के का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ कॉन, और वो है सिलेंडर यानी कि बेलन, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इंटू एन, मतलब नंबर ऑफ कॉइन, वो हम एन मान के चलते हैं। तो ध्यान रखना बच्चे, ये जो हमने एन लिखा ना यहाँ पर, ये यहाँ पर भी एन लिखना है, यानी कि नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है, और ये हमारा ब्रैकेट में लिख देना, एन कौन सा, नंबर ऑफ कॉइन यानी कि कितने सिक्कों की संख्या होगी, फिक्स थोड़ी है, पता नहीं कितनी आएगी वो, और एक जो इसका वॉल्यूम होगा वो इसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, तो एन आपको वहीं से लिख के आ जाना है। तो चाहो तो ये जो लाइन हमने यहाँ लिखी थी, ये आप यहाँ लिख देना, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, इस जगह तक सफिशियंट स्टेटमेंट बन जाएगा, पहले वो लाइन लिख देना, देन फॉर्मूला अप्लाई कर देना। और घनाभ का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वो आप जानते ही हो, LBH, ओके, वैल्यू पुट करा दो बेटे, पाई की जगह 22.7 इंटू आर, इसका आर कितना दे रखा है, 1.75 अपॉन 2 इंटू 1.75